जो जो मेरे प्यारे भाई दुबई के अंदर मुकीम है उनके लिए एक अच्छी खबर है, और जो जो मेरे भाई जॉब सर्च करने के हवाले से भी यूएई के अंदर आ रहे हैं उनके लिए भी इस न्यूज के अंदर इंफॉर्मेशन होने वाली है। डेली न्यूज दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जहीर अख्तर आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक न्यूज आई है यूएई के न्यूज पेपर खलीज टाइम के अंदर। न्यूज तो आपने पढ़ ली होगी ऑलरेडी कि अभी मेट्रो के मजीद 30 किलोमीटर लंबा, जैसा कि न्यूज आ चुकी है यूएई के न्यूज़पेपर के अंदर, और इसके अंदर क्लियर ऐलान कर दिया गया है शेख मोहम्मद की तरफ से कि मेट्रो ट्रेन के अंदर मजीद 30 किलोमीटर का इजाफा किया जा रहा है उसके ट्रैक में। और ये इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड 15 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा, 15 किलोमीटर ऊपर होगा, यानी कि जमीन के नीचे ये ट्रेन बनने जा रही है। और आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट कोई एक दो दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अगर आपको बता रहा हूं नेक्स्ट साल से ये स्टार्ट होने जा रहा है और ये 2028-2029 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये ना समझिएगा कि छोटा सा प्रोजेक्ट है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें तकरीबन तो अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे, 5 अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे, बाकी तो 7 स्टेशन तकरीबन इसके ऊपर बनेंगे। इसके अलावा इसके इंटरचेंज स्टेशन भी एक होगा। इसके अलावा मेरे भाई भाइयों को मैं मजीद ये देखते जाएं, ये पूरी डिटेल मेरे बैक पे एक वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर की पूरी डिटेल मौजूद है, यानी कि मेट्रो ट्रेन मजीद इजाफा होने जा रहा है, एक नया ट्रैक बनने जा रहा है जिसको ब्लू ट्रैक कहते हैं। जैसे पहले रेड और ग्रीन ट्रैक था, अभी नया ट्रैक जो उसमें इजाफा होगा 30 किलोमीटर का, वो ब्लू लाइन का इजाफा होने जा रहा है। Dubai Metro's Blue Line will support economic activities and serve residential, academic and tourist areas as well as development projects. It will also foster well-being, enhance the integration of various transit means and reduce congestion. It will also serve the academic city, which is anticipated to host around 50,000 university students by the time the new line becomes operational in 2029. Dubai Metro's Blue Line represents a new addition to Dubai's transport network. It supports sustainable and integrated transport, enhancing well-being of Dubai such that Dubai remains the best place to live in the world.